आप लखनऊ से चलकर यहाँ समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का समर्थन करने पहुँचे हैं, क्या लगता है कैसे क्या रहेगा? देखिए, मैं सुमैया राणा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी में, और लखनऊ से चल के मैं ज़रूर आई हूँ, लेकिन मेरा गृह जनपद है रायबरेली, और क्योंकि हमारा अपना घर खुद का भी यहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आदेश हुआ है कि जो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारी पार्टी में जितने, वो सब अपने गृह जनपद में जाके और प्रचारों प्रसार का कार्य करें, और ये तो कल मुझे आदेश हुआ है। इससे पहले भी मैं यहाँ पे आके पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत करके गई हूँ पिछले महीने, और मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी बेस्ट हो सके दे सकूँ, और आरपी यादव जी को अगर चुन करके प्रत्याशी यहाँ पर भेजा है तो उनको भारी मतों से विजय मिले और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाए। क्या अपील है समाज से व आम जनता से? देखिए, सबसे बड़ी अपील तो ये है कि असल चेहरे पहचानने होंगे जनता को, क्योंकि आखिर जनता को ही दुख उठाने पड़ते हैं। जो भी परेशानियां पिछले सालों 2017 से उत्तर प्रदेश की जनता देखती आ रही है, वो सबके सामने है। कोरोना काल में जिस तरह अवहेलना हुई, जिस तरीके से रोजगार में कमी आई है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महिलाओं की सुरक्षा में किस कदर चूक हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच गए हैं, और जनता का भारी समर्थन मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी बनने जा रही है।